नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। मनरेगा के काम में मजदूरों से काम न करवाकर चलाई गई जेसीबी। जी हां, खबर है खरगोन से। खरगोन जिले के ग्राम पेनपुर जनपद पंचायत गोगाबा में विगत 8 महीनों से सहायक सचिव के भरोसे ग्राम पंचायत चल रही है। वहीं मनरेगा के काम में ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों से काम न करवाकर जेसीबी से काम करवाने का मामला सामने आया है। जब मजदूरों ने मनरेगा के काम में जेसीबी चलते देखा तो जमकर विरोध किया और सरपंच के घर जाकर मजदूरों द्वारा मजदूरी मांगी गई। मजदूरों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के काम में सरपंच एवं सचिव द्वारा जेसीबी से काम किया जा रहा है और हमें ऐसे जगह काम दिया जा रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं जिससे मजदूरों से खंती नहीं खुद पा रही है। हमें ऐसे जगह पर काम दिया जाए जहां पर हम आसानी से काम कर सकें। वहीं सरपंच एवं सचिव का कहना है कि मजदूर काम नहीं करना चाहते और सीधे मजदूरी मांग रहे हैं। ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी की योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, ये कब से कार्य और कितने लाख का है और आज मजदूर वापस आए, इस संबंध में आप क्या कहोगे? ये 3 लाख का मजदूर का काम है रोजगार गारंटी का। मजदूरों का सीधा कहना है कि हम काम कम करेंगे, पैसा पूरा लेंगे। मतलब जैसे काम करते दिन भर में 2-3 घंटे काम करेंगे, आधे दिन छाव में बैठेंगे, आधे दिन इधर उधर घूमेंगे, 2-3 घंटे काम करेंगे और पैसा पूरा लेंगे। तो इंजीनियर ने हमें यही बताया कि मूल्यांकन सही नहीं आ रहा है, आगे से आएंगे देखने तो मैं मूल्यांकन क्या बताऊँगा। तो उनको यही बोला कि भाई ये काम जो आप कर रहे हो खंती खोद के करिए, सही साठ काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मजदूरों ने मना कर दिया, हम खंती नहीं खोदेंगे। तो काम सही नहीं होगा तो पेमेंट कैसा मिलेगा? आगे से हमारे पास पेमेंट नहीं आएगा, हम उनको नहीं दे पाएंगे। उनको यही बोला कि सही काम करो, आपको पूरा पैसा मिलेगा। ग्राम पंचायत जनपद कौन सी आपकी? ग्राम पंचायत पेनपुर जनपद पंचायत गोगाँव। क्या नाम है आपका? सुजीत मन भाई, सरपंच प्रतिनिधि। हेलो भाई साहब, ये जिस साइड पे आप खड़े हो इस साइट पे क्या कंडीशन है और काम क्यों नहीं हो पा रहा और इस संबंध में आप क्या कहोगे? सर देखिए, यहाँ पे अगर गेती चला चल नहीं रही है सर, कैसे काम करेंगे हम? गेती चल नहीं रही है और ये इनके पत्थरों में काम करवा रहे हैं। अच्छी जगह हमको काम करे तो हम काम कर सकते सर, यहाँ तो काम कैसे करेंगे सर? आप ही देखिए, अच्छी जगह दे हमको काम करने के लिए, मना नहीं कर रहे हैं हम काम करेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखिए, आप ही देखिए कंडीशन क्या है इसकी। थोड़ा काम करवा लेते हैं, रात हम रात यहाँ डीसीपी चला रहे हैं। चलो नहीं तो उन्हीं तड़े हम बताओ जी। अभी भी क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। पंचायत पेनपुर। पेनपुर जनपद गोगावा। हाँ सचिव महोदय, ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के योजना के तहत आज मजदूर वापस आए, इस संबंध में आप क्या कहोगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि भारत की महत्वपूर्ण योजना रोजगार गारंटी भारत शासन के निर्देशानुसार कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए भारत शासन ने निर्देश दिए थे कि रोजगार गारंटी की योजना अंतर्गत जापानधारी वयस्क प्रत्येक सदस्य को मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार दिया जाए, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत पेनपुर में 3 लाख के 3 वाटरफ्रंट कार्यों पर मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को कार्य प्रदाय किया गया, परंतु मजदूरों द्वारा खंती खोदने से मना किया गया। बोले हम खंती नहीं खोदेंगे। मैं दिनेश पाटिल, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पेनपुर जनपद पंचायत बोला। ये काम कब से चालू किया था आपने? इसको करीबन 15 दिन हो गए, तीसरा सप्ताह चल रहा है। आज मजदूर वापस आ गए? जी। क्या कहना पड़ेगा मजदूरों का? मजदूर का यह कहना पड़ता है कि हम खंती नहीं खोदेंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही बोल रहे हैं कि खंती नहीं खोदेंगे हम। खंती नहीं खोदेंगे मूल्यांकन कैसे आएगा? मूल्यांकन नहीं आएगा तो पेमेंट उनका पैसे कैसे जमा होगा? क्या नाम है आपका? दिनेश पाटिल, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत चंदपुर जनपद पंचायत होगा। खरगोन से धर्मेश कोमावत की रिपोर्ट।